माघ महात्म कथा का पहला अध्याय। श्री नमिश्रण्य क्षेत्र में मुनि जनों ने परम भागवत श्री सूत जी से कहा, हे मुने, अब आप कृपा करके माघ मास की इस पवित्र कथा का वर्णन करें, जो कि विशिष्ट भगवान ने दिलीप से कहा था, जिससे प्राणी के समस्त पाप नष्ट होते हैं। हे देव, कृपा करके आप माघ मास के संपूर्ण इतिहास का भी वर्णन करें। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, तुम धन्य हो। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा तुम्हारा मन देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मैं समस्त पापों के नष्ट करने वाले परम पुनीत माघ मास का महात्म तुमको सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। एक दिन पार्वती जी ने भगवान शंकर जी से कहा, हे महादेव जी, आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हो, आप कृपा करके मुझे माघ मास का महात्म्य, व्रत, विधि, पूजन और इतिहास बताएं। पार्वती के इन वचनों को भगवान महादेव सुनकर अति प्रसन्न होकर बोले, हे प्रिय, तुम इस मनोहर वृत्तांत को सुनो। एक समय महाराज दिलीप ने एक महान यज्ञ किया। ऋषि जनों ने प्रसन्न हो राजा को आशीर्वाद दिया। नगर निवासियों ने श्रद्धा से राजा का पूजन किया। तब वह प्रसन्न चित्त राजा अपनी सेना सहित वन में मृग का शिकार खेलने गए। समस्त अस्त्र शस्त्रों से युक्त दिलीप कवच आदि धारण किए हाथ में धनुष वान लिए वन में शिकार खोजने लगा। उनके पैदल सिपाही भी मनोहर जंगल में विचरने लगे। शिकारियों का दल वन में देखकर सभी जीव शांत होकर अपनी गुफाओं में चले गए। कोलाहल सुन मृग भागने लगे। राजा ने उनको अपने वाहनों का निशाना बनाया। पक्षी इस वृक्ष से उस वृक्ष पर उड़ने लगे और अपने को छिपाने के लिए स्थान खोजने लगे। सियार चलाने लगे, वृक्षों की खोज में छिपे उल्लू चीखने लगे। वन के शांत प्रवेश में जहां घने वृक्ष थे, फूलों की सुगंध महक रही थी, भौरे गुंजार कर रहे थे, दूध से भरे थनों वाली गायें घूम रही थी, सर्पों के बिलों में कंचली आदि बाहर निकली पड़ी थी, अजगर वृक्षों की शाखाओं पर लिपटे थे, पत्थरों के आपस में टकराने से अग्नि की चिंगारियां छिटक रही थी, बाघ दहाड़ रहे थे, शिकारी कुत्ते खरगोश के पीछे दौड़ रहे थे। इस प्रकार राजा दिलीप वन में शिकार खेलते, रात्रि होने पर विश्राम करते और फिर आगे बढ़ जाते थे। इसी प्रकार शिकार खेलते हुए राजा जब वन में विचरण कर रहे थे, तो सेवकों द्वारा मचाए हुए शोर को सुनकर एक मृग जंगल से निकला और इधर उधर चौकड़ी भरने लगा। तब राजा ने उसका पीछा किया। लंबी लंबी छलांग लगाता हुआ मृग टेढ़े मेढ़े रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों के मध्य होकर कई झरने पार करता भयानक जंगल में घुस गया। मृग का पीछा करते हुए राजा दिलीप उसी स्थान पर आ पहुंचे। जब वह मृग दिखाई नहीं दिया तो राजा घबरा गए, क्योंकि वे बहुत थक चुके थे और प्यास के मारे व्याकुल थे। राजा और उनके साथी थक गए थे, उनके घोड़े पसीने से तर थे। दोपहर का समय हो चुका था और सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। पानी की खोज करने पर राजा ने दूर समंदर जैसा एक विशाल सरोवर देखा, जिसके किनारे घने वृक्ष थे। जब
और उसका जल स्वच्छ था। बड़े बड़े कमल खिले थे जिन पर भोरे गूंज रहे थे। सरोवर के जल में छोटी छोटी मछलियां लहरों के साथ तैर रही थी। उस सरोवर के किनारे पर अनेकों पशु पक्षी घूम रहे थे। इस सुंदर सरोवर को देखकर राजा और उसके साथियों की थकावट दूर हो गई। राजा एवं सैनिकों ने सरोवर के जल को पिया और वहीं रात्रि व्यतीत करने के विचार से डेरा डाल दिया। राजा और सैनिकों ने संध्या को भोजन आदि से निवृत्त होकर शास्त्र संभाल लिए। राजा एक वृक्ष पर धनुष वाण सहित बैठ गए। उनके अन्य साथी भी दूसरी दिशाओं में अपने शास्त्र लेकर स्थित हो गए ताकि शिकार कहीं से बचकर ना निकल सके। कुछ सैनिकों ने मन में जाल वाला दिया। आधी रात होने पर जंगली शूकरों का एक झुंड सरोवर के किनारे आया। उन शूकरों के तट के किनारे अत्यंत कमल कंद खाए और पेट भर जाने पर वह कुंड वापस लौटने लगा तो राजा के सैनिकों द्वारा लगाए जाल में फंस गए। राजा ने अपने साथियों की सहायता से अनेकों शूकर मार डाले। कुछ घायल होकर वहीं पड़े रहे, कुछ भागकर जंगल में जा छिपे। इतने सारे शूकरों को मरा देखकर राजा के साथी प्रसन्न होकर शोर करने लगे। सबको साथ लेकर राजा सरोवर के किनारे से चल दिए। उन्होंने अपने राज्य लौटने का निश्चय किया। राजा जैसे ही नगर की ओर चले उन्होंने देखा कि सामने से शंख चक्र चिन्हों से शोभित कृष्ण शरीर कोमल वक्ष वस्त्र पहने एक तपस्वी सरोवर की ओर चले आ रहे हैं। राजा ने नम्रता पूर्वक उनको प्रणाम किया और मार्ग छोड़ दिया। ऋषि ने राजा को पहचान कर कहा, हे राजन, राता होने को है, माघ मास की इस पुण्य वेला में सरोवर का स्नान त्याग कर तुम कहाँ जा रहे हो? प्रथम अध्याय समाप्त होता है। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण।